आपने टारगेट बनाया कि मुझे इस आने वाले 6 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर 1000 प्रश्न हल करने हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना पर्सनल आपको, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं सिलेक्शंस जो मैंने लिए, मैं आपको बताता हूं, मैं अपने टारगेट्स को 3 हिस्सों में बांटता था। पहला मेरा एक मंथली टारगेट होता था, मैं पूरे साल, मतलब पूरे महीने को एक टारगेट बनाता था कि भाई मई महीना है, इस मई महीने में मुझे मैथ्स को इस लेवल पे ले जाना है, रीजनिंग को यहाँ ले जाना है, इंग्लिश को यहाँ ले जाना है, जीएस को ऐसा करना है। एक टारगेट सेट करता था मैं महीने का, फिर उस महीने के टारगेट को मैं 4 भागों में बांटता था कि वीकली मुझे पहले हफ्ते में इतना परसेंट पूरा कर लेना है, अगले हफ्ते में इतना करना है, उसके बाद फिर इतना करना है। अगला फिर मैं क्या करता था, डेली में उसको शिफ्ट करता था, है ना, कि मुझे डेली क्या करना है। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे महीने में 1000 प्रश्न करने हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा लगेगा, महीने में 1000 प्रश्न, उसको हम 4 हफ्तों में बांटते थे तो 4 हफ्तों में कितने प्रश्न आते थे, 250 प्रश्न आते थे, है ना। 4 हफ्तों में हमने उसको बांट लिया, हर हफ्ते मुझे 250 प्रश्न करना है। अब हर हफ्ते में लगभग होते हैं 7 दिन, है ना, तो अगर आप इसको 7 से भाग दोगे तो 7 * 21 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35, मतलब लगभग 35 से 36 सवाल मुझे रोज करने हैं, है ना। अब ये बहुत आसान है, रोज 35 सवाल करना बहुत आसान है। आप रोज 35 सवाल करोगे, आपके महीने में 1000 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक काम रोज करो तो प्रॉपर, तो आप पहले तो अपने महीने का टारगेट सेट करिए कि मुझे इस महीने भाई ये लेवल अचीव करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को यहां तक ले जाना है, मुझे इस सब्जेक्ट को इतना कंप्लीट करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स में एक्सपर्ट होना है, इतने सब्जेक्ट 20 चैप्टर्स है तो मुझे 10 चैप्टर जो इस महीने खत्म करना है। टारगेट सेट करिए, है ना, उसको वीकली डिवाइड करिए कि मुझे इस हफ्ते क्या करना है ना, उसके बाद उसको डे टू डे पे डिवाइड करिए कि मुझे आज क्या करना है। आप देखोगे ये बहुत तरीका है, पता है, जो काम लोग 1 साल में करते हैं ना आप 1 महीने में करके फेंक दोगे, ये वो तरीका है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग केवल पढ़ाई करते हैं, लोग केवल मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत में प्लानिंग जैसा कुछ नहीं होता, बस वो पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं रोज 10-12 घंटे 8 घंटे किताब लेके बैठना पढ़ाई नहीं। अगर आपने कभी प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करी ना, तो आप पता है 1 या 2 साल बाद भी क्या बोलोगे, सर, कई लोग आते हैं मेरे पास, सर 2 साल हो गए हमारा कुछ नहीं हो रहा है ना। फिर जब मैं उनको खोदता हूं, उनके बारे में पता लगाता हूं, तो वो अधिकतर मुझे मिलते हैं कि सर हम तो पढ़ रहे हैं रोज, हम रोज लाइब्रेरी जाते हैं, आज मूड हुआ कि आज मैथ्स लगा ले तो मैथ्स लगा लिया। उनका कोई टारगेट नहीं है, उनको कुछ नहीं पता कि इस महीने में मुझे क्या करना है, मुझे 6 महीने में अपने आप को किस लेवल का बनाना है, कुछ नहीं पता। वो सोचते हैं आज मन कर रहा है इतिहास पढ़ने का, तो आज सर हमने 5-6 घंटे इतिहास पढ़ लिया, फिर सर हम वो पढ़ के बोर हो गए, कल हमने सोचा यार अब भूगोल पढ़ लेते हैं, फिर सर उसमें भी मजा नहीं आया, सर हमने फिर इंग्लिश को 2-3 दिन पढ़ा, फिर सर इंग्लिश में 2-3 दिन में कुछ सुधार नहीं हुआ तो हमने उसको बंद करके मैथ्स लगाना चालू कर दिया। वो यही करते रहते हैं। अब बोलने को आप 6-8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या इससे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। रोज काम करना पड़ेगा, और केवल काम नहीं करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। प्लान करिए कि मुझे क्या अचीव करना है, उसको डिवाइड करिए अपने दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, आप देखिए आप बहुत आगे निकल जाएंगे लोगों से। ये लिखना कहना आसान है, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, कहना, बोलना, करना बहुत डिफिकल्ट है। ये हरेक को पता है कि ऐसा करना चाहिए, हरेक से करते नहीं बनता, और जो कर लेता है ना वो आगे निकल जाता है।